पाया जाता है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट। ये प्रोटेक्ट करता है स्किन सेल्स को डैमेज होने से, या आपकी स्किन के अंदर जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन रखता है, रिटेन रखता है, और आपकी स्किन के ऊपर एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। अगर आंखों के नीचे यहाँ पर काले घेरे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मेरे तो बिल्कुल नहीं है, टच वुड है जी, क्यों है? क्योंकि मैं रेगुलर ये चीजें अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ। ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, इसको मैं रेगुलर किसी ना किसी रेमेडी में अपने ऊपर जरूर अप्लाई करती हूँ। इसके साथ ही मैं इसको कंज्यूम भी करती हूँ। ये आपकी बॉडी को अंदर से भी बहुत मजबूत रखता है, आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, आपके नेल्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके स्किन के ऊपर एक मैजिकल काम करता है। अगर स्किन के ऊपर झाइया पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है या एजिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा दिख रहा है दोस्तों, इसको रेगुलर आप रोज रात को सोने से पहले लगा लो। सारी रेमेडीज करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन इसको एक चीज को अगर आप रात को सोने से पहले लगाते हैं तो आप अपनी स्किन को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएंगे। जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ इसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, डिले कर सकते हैं, एजिंग के साइन को डिले कर सकते हैं, फाइन लाइंस रिंकल्स को डिले कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेखा सिंह लाइफ पर फिर से एक बार। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे और हमारा चैनल ग्रो करता रहे, बस इतना ही मैं आपसे चाहती हूँ। बड़ों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, और जो मेरी बहनें हैं जो मुझे पुश करती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं और मेरी रेमेडीज को करके उनका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करती हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार है जी। आप लोग की प्यार की वजह से ही मैं इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज लेके आती हूँ, हमें भी एक बूस्टअप मिलता है आप लोग के इसी प्यार की वजह से। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरी फैमिली मेरे डीआईवाईस को करके कितनी ज्यादा खुश है। तो आप भी अगर मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, रेड वाले बटन को प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन के साथ में, और आप भी बन गए हमारी इस फैमिली का हिस्सा। बहुत जल्दी हम रीच करने वाले हैं एक ऐसे माइलस्टोन पे जो हर न्यू क्रिएटर का सपना होता है, हम भी वहां पे पहुंचेंगे, हमारी फैमिली भी वहां तक पहुंचेगी, हमें अच्छा लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इसी तरह से करते रहिए। देखिए, हर किसी के लिप्स के ऊपर डेड स्किन जरूर बनती है, हर किसी के बनती है। तो हम क्या करते हैं, एक तो हम स्क्रबिंग का काम करते हैं। स्क्रब करने से क्या होता है, हमारी स्किन लिप्स के ऊपर जो भी डेड स्किन बनती है, चाहे वो लिपस्टिक लगाने से हो चाहे लिप टिंट लगाने से हो, डेड स्किन आती ही आती है। इसके इतने ज्यादा यूजेस हैं, ये आपकी हर रेमेडी में तो काम में आता ही है। एक कैप्सूल लिया, उसमें थोड़ा सा पिंच किया, और जिस तरीके से मैं लिप्स पे लगा रही हूँ इसको आपको इसी तरीके से लगाना है, अच्छे से मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट की मसाज करिए, ये आपके लिप्स को सॉफ्टन करेगा, पिंक बना के रखेगा। किसी भी वजह से अगर आपके लिप्स काले पड़ रहे हैं, होंठ काले पड़ रहे हैं, या होठों के आसपास की जो स्किन है वो काली पड़ रही है, तो इस विटामिन ई के कैप्सूल से आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे तक, वो जो ब्लैकनेस है ना उसको अच्छे से हटा पाएंगे। तो ये काम आपको रोज करना है, ठीक है। अब इसके बाद का जो करना है वो है हमारी आंखों के काले घेरे के लिए। काले घेरे बहुत ज्यादा लोगों के होते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी हो, आजकल हर किसी के काले घेरे बन रहे। तो आपको क्या करना है, यही विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, जैसे कि मैं ले रही हूँ। थोड़ा सा ही लीजिए, एक ही ड्रॉप आपके लिए काफी रहेगा एक बार के यूज के लिए। देखिए, एक विटामिन ई का कैप्सूल, एक पत्ता आता है 24 रुपए का, तो एक कैप्सूल कितने का हुआ, 2 से 3 रुपए का हुआ सिर्फ। लेकिन ये यूजेस कितना अच्छा दे रहा है आपकी स्किन को, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, एक ड्रॉप आपको लेनी है और उससे अच्छे से आपके आईज के नीचे, आईज के ऊपर अच्छे से मसाज करनी है। राउंड राउंड सर्कल में 2 फिंगर के साथ में आप मसाज कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ दूसरे आईज पे भी और इस पे भी। ये आपके आंखों के काले घेरे को हटाएगा। आंखों के ऊपर अगर बहुत ज्यादा स्किन आपकी ढलकी हुई है उसको भी ये फिक्स करने का काम करेगा। क्योंकि क्या होता है, हमारी आंखों के नीचे ऐसी कोई भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं है जो अपना नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करते हो। तो हमें क्या करना होता है, हमें कोई ऐसा ऑयल या ऐसी कोई चीज अप्लीकेट करनी पड़ती है जो हमारी स्किन को और ज्यादा जवान टाइट रखने का काम करे, एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दे। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीजें अपनी स्किन पे अप्लाई करनी चाहिए जो कि यूजफुल हो, जो मोस्ट यूजफुल हो। तो उसमें विटामिन ई सबसे ऊपर आता है। तो आपको क्या करना है, इसी ऑयल को अच्छे से मसाज करनी अपने चेहरे पर, ठीक है। ये हो गया आपके आईज के डार्क सर्कल के लिए भी, पफिनेस के लिए भी, आई बैग के लिए भी। देखिए, 3 चीजें हो गई आपकी आंखों के आसपास ही, 3 चीजें हैं। लिप्स का मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल फेस के ऊपर आपको क्या करना है। आपको लेना है एलोवेरा जेल। देखिए, आप पतंजलि का लीजिए, चाहे बाबा रामदेव का लीजिए, किसी का भी लीजिए। क्या होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये आपके रिंकल्स फाइन लाइंस को भी खत्म करता है, बहुत हद तक डिले करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से एक ड्रॉप मैं ले रही हूँ, एक ड्रॉप आपको लेना है एलोवेरा जेल। ये एक बार के लिए है, ज्यादा बना के रखना है। आप मेरी रेमेडीज देख सकते हैं, मैंने वहां पे बताया हुआ है किस प्रकार से आप नाइट स्किन केयर क्रीम बना के रख सकते हैं। आईज के लिए भी है, पूरे फेस के लिए भी है, ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें डालना है 1 से 2 ड्रॉप आपको विटामिन ई ऑयल को, अच्छे से उसको रब करना है आपको अपने हाथ के ऊपर, ठीक है। अच्छे से रब करने से क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको गर्म करना है उसको अच्छे से, बढ़िया से। उसके बाद अपने फेस के ऊपर आपको अच्छे से मसाज करनी है। मसाजिंग के स्टेप्स मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, क्योंकि कल एक्चुअली परसों, हाँ, मेरे पास ना
मैसेज आया था एक्चुअली, नए सब्सक्राइबर जो होते हैं ना उनको नहीं वो रहता और वो थोड़ा सा अटेंशन पाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैम प्लीज आप ना अपने स्टेप जरूर हमें दिखाया करिए, आप पिछले वीडियो में, क्योंकि मैंने बोला था कि अब मैं स्टेप नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इतने सारे वीडियोस कर दिए, इतने सारे रेमेडीज कर दिए, तो मुझे लगा आप लोग को पता होगा। लेकिन काफी लोग होते हैं बोलते हैं जी स्टेप्स के साथ में ही, आप स्टेप के साथ में ही कोई हमें रेमेडीज बताया करिए। तो लीजिए मैं स्टेप के साथ में ही आपको बता रही हूँ, ये थोड़े से अलग स्टेप्स हैं जो कि मैं बता रही हूँ, ये एजिंग के ऊपर ही हैं, ये आपके बुढ़ापे के स्टेप्स हैं, जो जिस तरीके से मैंने बताए हैं वैसे वैसे आप कर लीजिए और पाइए अपनी स्किन में एक नेचुरल वाला ग्लो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही बहुत बढ़िया वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपना खूब सारा ख्याल रखिए।